दो मिनट है ना आप सारा भाई एक बार दो मिनट सुनो। आज ये तो कैंडल मार्च कर रहे हैं ना बड़ा गोठड़ा में, जो 11 अगस्त ने जो बहन के साथ वो दरिंदगी करी गई और जो जघन्य अपराध करे गयो, रेप करके मर्डर करे गयो, बीका खिलाफ ही आप कैंडल मार्च कर रहे हैं और सरकार और प्रशासन से यह मांग कर रहा कि जो आरोपी पकड़े गए जो केस है, मतलब यो केस फास्ट ट्रैक कोर्ट स्पेशल कोर्ट में चालना चाहिए जिससे जो आरोपी बहुत जल्दी फांसी की सजा हो सके। सरकार से मांग कर रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलो वो तो जो कोर्ट की जो प्रोसीडिंग है बहुत जल्दी हो सकेगी और जिससे जल्दी न्याय पीड़ित परिवार ने मिल सके। और अब तने हरिओम जी भाई साहब बताएंगा। आप सभी को ज्ञात होगा कि 11 अगस्त को हमारी खेतड़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी शर्मिंदगी घटना हुई है। हमारी एक बहन के साथ बुरी तरह से बलात्कार कर और उसका उनकी हत्या कर दी गई। तो खेतड़ी की एक ही मांग है सरकार से कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चले और जो आरोपी है उसको फांसी की सजा हो। और हमारी मांग सरकार से ये है और खेतड़ी कोर्ट के जितने भी वकील हैं हम सभी से उनसे निवेदन करेंगे कि उस आरोपी के पक्ष में कोई भी वकील खड़ा न हो और उसके उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। आज ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, दोबारा ऐसी इस क्षेत्र में घटना नहीं हो। ये खेतड़ी सूरमाओं की और साधु संतों की धरती है, उस पे इस धरती पे ऐसा अपराध बहुत ही बड़ी शर्मनाक घटना है। पूरी खेतड़ी चाहती है कि अपराधी को फांसी की सजा हो और हमारी बहन को न्याय मिले। हम सबकी यही मांग है। आज हम जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, हम बहन को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। साथियों, खेतड़ी की ये बहुत बड़ी घटना है। हम ये चाहते हैं कि जो बहन के साथ जो अपराध हुआ है ये अपनी किसी और बहन के साथ ना हो। और जो मुजरिम है वो ये कभी सोच भी ना सके कि खेतड़ी में कभी ऐसा कोई अपराध हो। उसके लिए हम मांग करते हैं सरकार से कि ये मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले ताकि जल्दी अपराधी को फांसी हो। हम ये चाहते हैं कि बहन को न्याय के लिए जो मुजरिम है इसकी कोई पैरवी ना करे। हमने कुछ दिन पहले बार एसोसिएशन को अवगत करवाया था कि मुजरिम की कोई वकील पैरवी ना करे। हम ये चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उनकी सुरक्षा प्रदान करे, जो गवाह है गवाह को सुरक्षा मिले ताकि उनके परिवार में जो भय का माहौल है वो नहीं रहे।